बताओ कैसा था तुम्हारा आज का दिन? आरुषि, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम हमसे एक सवाल नहीं, तुम हमसे 10 बातें पूछ सकते हो। कम से कम इस बहाने तुम्हारी चुप्पी तो टूटेगी। आरुषि, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शक्ति जैसा आदमी तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? क्या बात है तन्मय, आज अचानक तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आज अचानक हमारी जिंदगी के सबसे बुरे हिस्से के बारे में बात करने का क्या मतलब है, जबकि तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, ये सच है कि हमने शक्ति से शादी की थी, पर सच ये भी है कि हम कभी उसके हुए ही नहीं। हमने कभी भी उस आदमी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। अरे सॉरी यार, अर्फ, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करने का नहीं था। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, हटाओ, कुछ और बात करते हैं। अब फिर कभी हमारे पुराने जख्मों को मत कुरेदना प्लीज। हम इस कड़वे सच को भूल जाना चाहते हैं, हम भूल कर भी कभी याद नहीं करना चाहते। सुन, समर को ले जाके जल्दी से तैयार कर दे। अभी थोड़ी देर में हम सबको जाना है सक्तिया के लिए लड़की देखने। सक्तिया के बाबूजी आके डांटेंगे अगर तैयार नहीं हुआ तो। जा जल्दी कर, नहीं तो 4 बात सुनाएंगे हम। हम आपसे एक बात कहें, क्या समर को अभी वहां ले जाना जरूरी है क्या? पहले आप लोग लड़की को पसंद कर लीजिए, उसके बाद। सुन, हमारे मामला में ना सुझाव देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। अपने दिमाग से ये बात अब निकाल दे कि तू समर की परवरिश करेगी। कि समर की परवरिश करे वाली आ रही है। ए समर, जा बाबू जाके ना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के तैयार हो जा। आज तुमको लेके हम तुम्हारे पापा की नई बहुरिया के पास जा रहे हैं। हाँ, जा जाके जल्दी से सुंदर सुंदर कपड़ा पहन ले जा। नहीं, अब अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाएंगे। जादू टोना करती हमारे पोता पर। समरा, ए बाबू, हम जा रहे हैं होटल, ठीक है? अरे आज कहाँ होटल पे जा रहा है बाबा, चल ना हम सबके साथ सक्तिया के लिए ना उसकी नई दुल्हन देखने जा रहे हैं, चल। लड़की, अरे यार अम्मा, मतलब शादी यार, शादी का ऐसे एकदम दाल भात कह दियो तुम। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे तो हमारे मान सक्ति भाई ऐसे शादियां करते हैं यार। अब देखो ऐसा है, इतना टाइम नहीं हमारे पास सक्ति भाई की शादियों के लिए, मतलब हर शादी में जाके नहीं नाच सकते हम यार, हमारा भी अपना काम धंधा है, आगे अगली बार देख लेंगे। और तो क्या, फिलहाल तो हम जा रहे हैं काम पे है बाबू, जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, शाम को आते हैं। जाते हैं पर Thank you.
पगली अम्मा, पगली अम्मा। मुन्ना आजा, आजा अपनी माई के पास, आजा मुन्ना, आजा, कहाँ दूर जा रहा है, आजा आजा। हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम बाहर आके दिखाओ, उनको पकड़ के दिखाओ, आओ आओ। पगली अम्मा, तुम तो हमारे साथ लड़की देखने चलोगी, तब हमारे पापा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, पापा की दुल्हन। चलोगे मेरे पापा के दुल्हन देखने? हाँ मुन्ना, हम तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। बस एक बार आके अपने माई के गले लग जा, तुमका अपने पापा की दुल्हन देखने हमका साथ ले जाना है ना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, बस तू हमारे पास आ जा, आजा मुन्ना, आजा अपनी माई के पास। ना। आजा मुन्ना, आजा अपनी माई के पास। चलो सफर। मुन्ना, मुन्ना कहाँ जा रहा है? मुन्ना हमका छोड़ के कहाँ जा रहा है? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना कहाँ जा रहा है? हम चलेंगे ना तुम्हारे पापा की दुल्हन देखने तुम्हारे साथ हमारे पास। आजा मुन्ना, हमका छोड़ के मत जा मुन्ना, मुन्ना। तैयार नहीं हुआ है रे, कि सब ना औरत भरभंड करने पे तुली है, जानबूझ के इसको तैयार नहीं कर रही है। अरे कह रहे हैं कि इसको तैयार कर, छोड़ तू। ए बेटा, जा जाके ना अपने से कौनो दूसर कपड़ा पहन ले। तुमको ना आज हम तुम्हारी नई मम्मी से, नई माँ से मिलवाने ले जा रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारी माँ है, मैं नहीं माने ही रही हूँ। ये है हमारी माँ, तुम सब जाओ, हमें नहीं जाना है, हमें कोई नई माँ नहीं चाहिए। हमारी माँ अच्छी है, सबसे अच्छी है, हमको अपनी माँ नहीं बदलना। बोल दो इन लोगों को, हमको नई माँ नहीं चाहिए।